नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एसएसएल के कुसमुंडा वर्कशॉप में लगी भीषण आग, 3 किलोमीटर से दिख रहा था धुआं, लाखों का सामान जलकर खाक, बड़ी घटना टली। कोरबा में गर्मी के शुरू होते ही आग लगने की घटना शुरू हो गई है। एसएसएल की कुसमुंडा खदान के 3 नंबर वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब लपेटों के साथ धुआं उठने लगा तब इसका पता चला। इसकी सूचना अधिकारियों और दमकल विभाग को दी गई। वर्कशॉप में रखे बड़े डंपरों के टायरों में भीषण आग लगी थी। यहां से आग की लपटें उठ रही थी। इससे उठने वाला धुआं खदान से 3 किलोमीटर दूर तक भी साफ दिख रहा था। कुसमुंडा कोरबा मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों का ध्यान इसके कारण खदान की तरफ जा रहा था। आग बुझाने एसएसएल व आपदा विभाग का दमकल पहुंचा। टैंकर से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। प्रबंधन के अधिकारी ने कहा, कुछ पुराने टायर में आग लगी थी जिस पर नियंत्रण पा लिया गया है। इस आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एसएसएल कुसमुंडा में जो उनका वर्कशॉप है, वहाँ पर जो वेस्टेज टायर हैं, हाइबर और हाइड्रा वगैरह का बहुत सारा टायर रखा हुआ है, जो सैकड़ों हजारों की संख्या में है, जिस पर अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण बाजू में वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हजारों लीटर जो है डीजल है और ऑयल का टैंक है, जिसमें आग लगने की संभावना बनी हुई थी। जहाँ पर हमारा जो नगरसेना का फायर वाहन एवं एसीसीएल कुसमुंडा तथा गेवरा के फायर वाहन, टोटल 3 फायर वाहन और दो पानी टैंकर, जो एक 70,000 लीटर का टैंकर है और एक 28,000 का टैंकर है, आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और किसी प्रकार के जन की हानि नहीं हुई है, किंतु सामानों बेस्टेज सामान का बहुत सारे नुकसान हुआ है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए निगम एक्शन मोड में आ गया है। सब्जी बाजार में बढ़ते भीड़ को कम करने को लेकर कोसाबाड़ी में लग रहे बाजार को बंद कराया गया। कोरबा में कोरोना के बढ़ते मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम की कोविड नियंत्रण टीम एक्शन मोड में आ गई है। कोसाबाड़ी स्थित सब्जी बाजार में बढ़ते भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पूरे सब्जी बाजार को बंद कर दिया गया। निगम द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई सुबह 7 बजे से शुरू की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए और मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की जद में आ रहे दूसरों के लिए खतरा बने हुए हैं। कल से हमारा अभियान बेहद रूप से चालू हो गया है, जिसमें हमारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 200 रुपया और बिना मास्क का 500 रुपया का फाइन का चालान की कार्यवाही किया गया है। अब ये सुबह 7 बजे से चालू है और अभी तक प्रारंभ है। हम इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सीतामढ़ी तक और अपने नगर निगम क्षेत्रों के और जोन कार्यालय तक पहुँचेंगे। वो बहुत पास में लग गए थे, उनका सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन नहीं कर पाए थे, इसलिए पूरे सब्जी दुकान को सोशल डिस्टेंसिंग कोविड नियम के तहत उसको हटा दिया गया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर डीजे पर फिर लगी पाबंदी, संचालकों ने कलेक्टोरेट के सामने किया प्रदर्शन। 2 दिवस के भीतर पहल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर डीजे पर फिर पाबंदी लगने से संचालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। डीजे संचालक बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया। डीजे संचालकों ने प्रदर्शन से कोविड नियमों के साथ डीजे की अनुमति देने की मांग की। यदि 2 दिन के भीतर उनकी मांग पर पहल नहीं की जाती है तो संचालकों ने परिवार सहित उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। हर दिन मरीजों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें डीजे का संचालन भी शामिल है। डीजे के संचालन पर रोक लगने से संचालकों में आक्रोश व्याप्त है।
इधर धारा 144 जिले में लागू होने से भीड़ इकट्ठा होने पर रामपुर पुलिस ने चौकी में तलब कर धारा 144 उल्लंघन नहीं करने की समझाइश दी है। समस्या हमको भैया ये है कि हम कोरोना बढ़ रहे बल्कि पता चला छत्तीसगढ़ में, तो बोले कि भाई डीजे साउंड बंद। हमको लगा कि भाई डीजे से ही कोरोना होता है क्या? आप बताओ भाई, डीजे से कोरोना होता है क्या? नहीं। आप भी प्रेस में है, डीजे से कोरोना नहीं। परिवार जो मतलब पार्टी के लिए आदमी तो दारू भट्टी 144 में होली में लागू थी, 144 धारा होली में लागू थी, दारू भट्टी खुली थी, बाजार खुली थी, आपका चिकन मटन की दुकान खुली थी। शायद 144 धारा में 5 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है। वहाँ तो 100-100 की जनसंख्या थी। और हम इसी माह से अप्रैल में शायद हमारी लॉकडाउन लगी थी, तो हम इसी कोरोना को झेलते झेलते सहा, पूरी सहा है हमने। साउंड चला ही नहीं हमारा, और हमारे साथ 4 ऑपरेटर चलते हैं, उनका भी परिवार चलता है हमारे साथ। तो तकलीफ इसी बात की है कि अगर लॉकडाउन कर रही है तो पूरी तरह से कर दें, बंद होना चाहिए, सभी चीज़ बंद होना चाहिए। हमको डीजे चलाने की अनुमति नहीं देते हैं किसी चीज़ में, तो कोरोना हर चीज़ में कोरोना है। मेडिकल खुला हुआ है, वो तो अलग चीज़ है कि मेडिकल दवाई गोली के लिए खुला है, दारू भट्टी खुला हुआ है, सभी जगह पर कोरोना है, होटल भी खुली है, बैंड पार्टी, डीजे सिस्टम, खाली इसी में कोरोना है क्या? हम बोलते हैं ठीक है, हम कड़ाई का पालन करेंगे, 144 धारा जो लगा हुआ है उसको हम पालन करते हुए हम चलाएंगे डीजे पर, सोशल डिस्टेंसिंग में चलाएंगे, सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे। भाई खाली डीजे और बैंड पार्टी वाले पे ही ऐसा प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? अगले सालों से भी बंद है, इस साल भी अप्रैल में अगर लॉकडाउन लगाया गया, 144 धारा लगाई हुई है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा सिस्टम चले, हमारा युवका पार्टी चले, हमारे साथ में जो परिवार है, अगर ऐसा नहीं करते हैं हमारे निर्णय में न्यायालय में आज भी अगर हमको सहमति नहीं करते हैं, तो हम अपने घर परिवार को ला के बैठाएंगे। भाई अगर आपको सिस्टम भी चला कर 20,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल दें, हर महीना बैठे रहेंगे हम घर में, किस्ती में चलेंगे भैया, किस्त में लेकर चल रहे हैं सिस्टम को, कैसे करेंगे, कितने सालों से बैठेंगे? खाली एक ही सिस्टम तो एक ही है का मुद्दा तो हजारों मुद्दा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। घंटाघर चौक से बुधवारी बाजार के बीच नाला निकासी के लिए निगम तत्पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने निगम के अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति उद्यान के पास हर साल बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर होते हैं। पानी की सही निकासी नहीं होने से सड़क जलमग्न रहता है, जिस वजह से यातायात काफी प्रभावित होता है। इसी तरह नाले की स्थिति भी सही नहीं होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। इसे देखते हुए महापौर राजकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में स्थल का निरीक्षण किया गया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हाँ, ये केसीसी कॉलेज के सामने स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति उद्यान के सामने दोनों के बीच में जो मेन रोड है, इसमें आपने देखा होगा हर साल जब बारिश के दिनों में कभी जब भारी बारिश होती है तो उस समय पानी का निकासी ठीक से नहीं हो जाने की वजह से यहाँ एक डुबान की स्थिति बन जाती है। तो उस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक नाला का निर्माण किया जा रहा है, और उसी कड़ी में जो मेन रोड का कलवर्ट है, ये सब भी हमारे निगम के सभी अधिकारियों के द्वारा भी इस पर गहन सर्वेक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला गया कि नाले की भी कैपेसिटी बढ़ानी जरूरी है, तभी ये काशीनगर और बुधवारी तरफ के जो कैचमेंट एरिया है, पूरे एरिया का पानी जब घोर बारिश में भी इजिली उसको निकासी हो सके, इसके लिए इस कलवर्ट को भी हाइटनिंग करने का और आगे नाला को भी थोड़ा चौड़ीकरण करने का काम शुरू हो रहा है, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए हम अपने साथी और निगम के अधिकारी के साथ आए हुए थे। खर्च क्या आएगा? मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाए सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान, जैसे स्वतंत्र आवास, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770634
23544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG-4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट ₹500 जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी घंटाघर कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियाबाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा OPD वार्ड 2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं, कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता, सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG-4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG-4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG-4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG-4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल TV, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में बैकलॉग पदोन्नति को किया गया दरकिनार, प्रबंधन के खिलाफ संघ ने खोला मोर्चा। पदोन्नति विसंगतियों को लेकर विद्युत अधिकारी कर्मचारी संघ ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रबंधन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बैकलॉग पदोन्नति को दरकिनार किया जा रहा है, जिस वजह से SC/ST अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित हो रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रबंधन तक बात पहुंचा दी गई है। अब फैसला प्रबंधन को लेना है। मांग पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी मांग यह है कि जो बैकलॉग सीट है उसको अनरिजर्व घोषित करके प्रमोशन पॉलिसी बनाई जा रही है। इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ में जनरेशन
डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, होल्डिंग सभी में यह आंदोलन जारी है। हम लोग प्रमोशन पॉलिसी को डिनाइन नहीं कर रहे हैं, किसी भी वर्ग का प्रमोशन नहीं रोकने बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो एससी एसटी के बैकलॉग सीटें हैं उसको अनरिजर्व करके उसमें पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं, इसको हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और एसटी एससी का क्वांटिफाइबल डाटा के लिए माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में उसमें अभी स्थगन है, मतलब उसमें सुनवाई अभी कंटिन्यू चल रही है। तो फिर भी इस मैटर को एससी एसटी का जो बैकलॉग सीट है उसको पदोन्नति नहीं किया जाना था, उसको अनरिजर्व करके उसको प्रमोशन देने की कोशिश कर रहे, यही हमारा विरोध है। हम लोग का मुख्य मांग अभी वर्तमान में जो पदोन्नति नियम लागू किया गया है उसको वापस लेना है। इस पदोन्नति नियम में जो बैकलॉग की सीटें बची हैं आरक्षित वर्ग की, उसको नियम के तहत, साजिश के तहत सामान्य वर्ग की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग जो एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लिए हैं, अगर प्रबंधन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे पावर कंपनी में एक पदोन्नति नियम लाया गया है नया, जो कि पूरा विसंगतियों से भरा हुआ है, जो संवैधानिक प्रक्रिया को ताक में रख के और एससी एसटी के वर्गों के खिलाफ पदोन्नति जारी करने की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग एक सामूहिक अवकाश लिए हैं। सभी पावर स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन पूरे पावर कंपनी में ये चल रहा है और ये हमारा एक दिन का सामूहिक अवकाश है आज। और अगर प्रबंधन हमारी मांग को अगर सुनता नहीं है या हमको बुलाएगा नहीं बात करने के लिए, तो हो सकता है हम ये चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बांगो बांध के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की जयंती पर बिसाहूदास महंत उद्यान में लगे प्रतिमा पर माल्यार्पण कर याद किया गया। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र व अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की जयंती पर बिसाहूदास महंत उद्यान में लगे प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। निगम के महापौर, सभापति सहित कांग्रेसियों ने याद कर नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के पिता स्वर्गीय बिसाहूदास महंत के जयंती अवसर पर हर साल कई कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे और धारा 144 जिले में लागू होने पर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। आज हम सब यहाँ छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की 97वीं जयंती बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से मना रहे हैं और आज यहाँ कोरबा में घंटाघर के पास स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति उद्यान में उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी उपस्थित जनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें सतत नमन किया। हमारे छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा, बांगो बांध के स्वप्नदृष्टा, हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत की आज 97वें जयंती के अवसर पर हम उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत ने छत्तीसगढ़ का सपना देखा और निश्चित तौर पर उनका सपना पूरा हुआ। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं हम लोग। बाबू जी का जीवन में जो स्वर्णाक्षरों में अंकित है वो कार्य, उनका योगदान, उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में हम सबको, पूरे कांग्रेस परिवार को अमल करने के लिए है। उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर हम चलने का आज संकल्प लेते हैं। छत्तीसगढ़ का विकास और छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का जनजीवन, छत्तीसगढ़ का सब कुछ बाबूजी के हाथों इतिहास रचा हुआ है और आज के बच्चों को, आज के युवा साथियों को उनके मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और उसी रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित होकर राज्य के विकास के लिए, अपने जिले का, अपने नगर का विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने शहर नगर सबके विकास के लिए बाबूजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते।
मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। खाना नहीं देने से गुस्साए पति ने पत्नी की कर दी पिटाई, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार जारी, पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी। बकरी चराकर लौटी पत्नी को देखते ही नशे में धुत पति आग बबूला हो गया। उसने खाना नहीं देने की बात को लेकर पत्नी से मारपीट शुरू कर दी, वहीं टंगिया से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पत्नी के सिर में चोट आई है, महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बालकोनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केसलपुर की है। यह बिहानू अगरिया परिवार सहित निवास करता है, शराब के नशे में धुत होकर सोया हुआ था। उसे गहरी नींद में देख पत्नी बकरी चराने जंगल चली गई। जब वह वापस घर लौटी तो पति ने विवाद शुरू कर दिया। उसने गाली गलौज करते हुए पत्नी की टंगिया से हमला करता, इससे पहले महिला जमीन पर जा गिरी। इस दौरान दीवार के कोने में सिर में गंभीर चोट लग गई। खून से लथपथ महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। घटना के बाद पति फरार हो गया। मामले में बालको नगर पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। का चीज से मारी बोला? टांगी से। कहाँ मिल मारे है? गला मिल रहा। तो अभी कहाँ है तुम पिताजी? अभी भाग गए है। तो कहाँ कहाँ में चोट लगी बोला? गला मिल रहा। तो हमेशा इसी लड़ी झगड़ा करते का वो शराब वराब पीते। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8770623544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठिया बाद जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार, इसके अलावा ओपीडी वार्ड 2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 से डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। MXT Digital New MPEG 4 Box,
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में यातायात नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जारी, 3 सवारी बिना लाइसेंस, प्रेशर हॉर्न की हो रही सघन जांच। कोरबा में होली के बाद यातायात नियमों को अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। CSB चौक सहित शहर के अन्य चौक चौराहों में ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग अभियान तेज हो गया है। मोटरसाइकिल में 3 सवारी बिना हेलमेट, प्रेशर हॉर्न, लाइसेंस की चेकिंग की जा रही है। कोई भी कमी होने पर यातायात नियम के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की लाख जागरूकता समझाइश के बावजूद लोग ट्रैफिक नियम को तोड़कर अपनी और लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। हम लोग अभी CSB चौक में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो 3 सवारी चलने वाले हैं, नाबालिग है जो वाहन चला रहे हैं, या फिर जिसकी गाड़ी में सही तरीके से नंबर प्लेट नहीं लिखा है, और या जिनके गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगा है, उन सबको चेक कर रहे हैं और जो भी कमियां पाई जा रही है उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए इमरान मल्लिक की रिपोर्ट। मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।